Please subscribe to our channel and press the bell icon and never miss an update from Dips Academy. अभी अभी पता लगा कि शायद 200 के करीब आंकड़ा जाने को होता है, तो ये इसके लिए मैं बहुत बहुत यहाँ से मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरा पूरा टिप्स परिवार को। ये तो क्या एक खूबसूरत सा, मुझे कितनी खुशी होगी कि आज मैं कहाँ आके खड़ा हूँ। मम्मी आज इधर एक टीचर बनने वाला हूँ, और मुझे टीचर क्यों बनना है, मुझे टीचर इसलिए बनना है कि जो पेरेंट्स सपने अपने बच्चों में देखते हैं, जो पेरेंट्स अपने जो अपने बच्चों में देखते हैं, मुझे वो सपने पूरे करने हैं उनके। और फिर इसके लिए मुझे मोटिवेशन मिला डोरेमोन के टाइटल सॉन्ग से। डोरेमोन का टाइटल सॉन्ग है, मतलब उसके बीच की जो लाइन है, मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सर, अब ये मेरे सपना है कि सबका सपना सच में करूँ। और मैं दिल्ली आया नहीं, मिलाया गया था। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ करना है, क्योंकि मैं लेकिन मेरे दो दोस्त, और फिर मैंने उनसे ही सीखा कि जब आप लोग डिसीजन लेना बंद कर देते हैं तो अपने बगल वाले के सुनने चाहिए, उसको बेहतर दिखता है आपसे। उनको दिखा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं जब यहाँ पहले दिन एकेडमी में आया और जब मैंने सर की क्लास ली, मैं सबसे पीछे बैठता था। और जब मैंने सर को देखा और मैंने जब काउंटेबिलिटी शुरू किया, और फिर जब वो नॉन एकेडमी कंटेंट आया काउंटेबिलिटी पे, तब मैंने पहली बार जाना कि भाषा इतनी खतरनाक भी हो सकती है, कि मतलब हम अकाउंटेबिलिटी बता रहे हैं इतने अच्छे शब्दों में। उसके बाद मेरा यहाँ से सफर शुरू हुआ, और जेआरएफ कभी मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था खुद को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से खुद को पाना था, जो मैं चाहता पहले खो चुका था, अपने पे भरोसा में खो चुका था। उसके बाद यहाँ से सफर शुरू हुआ, और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं जेआरएफ की गली में था अपने दो दोस्तों के साथ, और मैंने उनसे कहा था मजाक में, एक दिन ये टिप्स अकेडमी मुझे बोलेगा तो बम तो रुक तेरी जरूरत। और मेरे दोनों दोस्त इतना जोर से हंसे कि बात दिल तक गई, मुझे बहुत चोटी। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी वजह बताई, अभी आप देख पा रहे स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना नाम नहीं बोल पाता था, मतलब नाम नहीं बोल पाता था, किसी से बात नहीं कर पाता था, किसी से फ्रेंडशिप नहीं होती थी, क्योंकि मैं ऐसा ही था। लेकिन उस दिन चुभा, और फिर लेकिन तब मेरे को एक कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया था, अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने उस दिन सोचा कि यहाँ से जेआरएफ होने से पहले वो दिन आएगा जब तक मुझे बोलेंगे खुद से शुभम स्वरूप। शुभम क्लास में एक पर्टिकुलर प्लेस से बैठता था, उसकी वो प्लेस कभी चेंज नहीं हुई। दूसरा क्लास घूमता उससे ही, और थर्ड फोर्थ डे पे ही वो दिख गया मेरे को।
ईश्वर ने मुझे बड़ी अच्छी नज़र दी है, सही बता रहा हूँ कि मुझे फील हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शायद आने वाले टाइम में बाबा बन जाऊँ मैं भी। बट मुझे सच बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद कुछ वेव आती हैं। ये आज इसने बताया कि मैं तो जानबूझ के आता था, बट ये जानबूझ के भी आता हो बट दिखता था क्लास, मैंने उसे कहा भी कि मुझे दिखता था कि क्लास में जिस दिन एक आदमी अगर भी नहीं आया तो वो सीट दिख जाती थी खाली है। क्लास में ही दिखे सौरभ, क्लास में दिखा मुझे सुमित, क्लास में दिखा गुरंग, ये सब क्लास में दिखे मुझे। और रिजल्ट, रिजल्ट तो बात की बात है, ये सब मेरे पास रिजल्ट से पहले आए। तो जो इसने भी कहा ना तो हमने बहुत पहला बच्चा है, मैं देखा सब टॉप, मुझे दौड़े मोड़ी लग रहा था, ये तो मुझे दौड़ मोड़ी लग रहा था, बहुत स्वीट बच्चा है ये। और आप किसी किस्मत थोड़ी ले लोगे, सही बताए ना शुभम, तुम अलग किस्मत लिखा के लाए हो, तुम्हें बहुत आगे जाना है अभी, ठीक है। आप गूगल करना, गूगल करना पिछले 10 साल के रैंक 1 वालों को कहां घूम रहे हैं, उनके नाम पे फेसबुक कितनी चीजें होंगी, तुम्हारे नाम पे बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो बट इसे कहते हैं ना जो मैंने कहा कि तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, इसे खुद बनाई है। मैं शायद लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ कि निमित्त बनता हूँ हर चीज का, चीजें मेरे थ्रू हो जाती हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अदरवाइज आई एम जस्ट अ वाया मीडिया कि चीजें मेरे थ्रू आ रही हैं। तो करे कोई भी लक मेरा ऐसा है कि नाम मुझे मिल जाता है, बट इन बच्चों में वो प्रतिभा थी हमेशा से थी, आप सब में प्रतिभा रही है हमेशा से, आप लोग इतने भरे लोग हो कि उसका क्रेडिट देने मेरे पास आ गए। चलो ठीक है दिल्ली चलते हैं, एक आदमी है भला सा, उसको क्रेडिट दे के आएंगे कि उनके थ्रू हुआ है, आप नहीं भी करते तो भी बड़े आदमी हैं, तो भी बड़े लोग हैं आप, तो आप सबका सिलेक्शन होगा, मैं इसको आशीर्वाद देता हूँ। टीचर कैसे भी बनना, आदमी अच्छे बनना, जितने सॉफ्ट हो ऐसे ही रहना, कॉन्फिडेंस जो पहले नहीं था कभी, इतनी ऑडियंस मतलब मैं कभी खड़ा नहीं हूँ रास्ते में, मैं कॉन्फिडेंस जैसे अकेडमी से मिला, एक सपोर्ट सर के साथ जो रही मेरी, सर ने जो मतलब सपोर्ट किया मुझे, जो डिस्कशन मैंने जैसे अकेडमी में सर के साथ की हैं, दो दो घंटे एक एक घंटे डेढ़ घंटा बिजनेस को लेके, चीज़ों को एक्सटेंड करना कैसे है, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, तो मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कभी ऐसी मतलब सोच थी नहीं कि मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ या सोच सकता हूँ, तो सर के साथ रहा और बहुत सारे प्लान्स हमने किए, कुछ एग्जीक्यूट हुए कुछ नहीं हुए, वो तो पार्ट है चलता है। थैंक्स अ लॉट सर जो आपने मतलब किया, आई विल लाइफ टाइम पार्ट ऑफ दिस अकेडमी, आई विल बी विद हिम, जैसे भी टच में रहूँगा, आई विल ट्राई कि मैं सर के साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकूँ, जो हमारे प्लान्स हैं, सून यू विल सी समथिंग, तो सारों में स्टार्ट कर रहे हैं, यू विल सी कि कितना डिफरेंट है वो पढ़ने का जो वे है, कैसे पढ़ाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो सून यू विल सी दैट, एंड थैंक्स सर, थैंक्स फॉर। पीछे बैठते थे हम लोग, पीछे वाले कभी कोई डाउट तो हुई नहीं, हमेशा बस एक ही परेशानी होती थी, आवाज़ नहीं आ रही सर, आएगी तो कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन सर को ऑब्जर्व किया तो कुछ चीज़ें थी जो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे सर की, वही हैं आपका क्लास में आकर बिना कुछ बोले कुछ देर तक बस लिखते जाना, फिर लास्ट क्लास के रिजल्ट को रिकॉल कराना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। प्रॉब्लम्स का जीरो आर चलाना, क्यू को बार बार काउंटेबल दिखाना, काफी मुश्किल था लेकिन लिमिट में ए अल्फा बी अल्फा सी अल्फा से दोस्ती कराना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। कॉन्टिन्यूटी की ढेर सारी डेफिनेशन लिखाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर इमोजी बनाना, और सबसे स्पेशल सेवरल वेरिएबल और डिफरेंशिएबिलिटी और कुछ भी हो सीक्वेंस कन्वर्ट करा के सिखाना, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। रियल हो या कॉम्प्लेक्स दोनों में आइडेंटिटी थ्योरम के रिजल्ट के साथ की गई आपकी नमकीन मस्तियाँ, फंक्शंस ऑफ अवर लिस्ट F1 टू F8 के साथ की गई बेपरवाह गुस्ताखियाँ, आपकी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। सर और भी लिखना चाहता था आपके लिए, बट उसी बीच उसी दिन उसी शाम नेट का रिजल्ट आ गया, कट ऑफ हाई चला गया मेरा, फिर से इस बार नहीं हुआ।
और मैं भी पोएम छोड़कर पढ़ने बैठ गया। लेकिन सर आपका पढ़ाना, आपका हंसाना, आपका आना, आपका जाना कुछ भी नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान।